अभी अभी दयाशंकर जी यहां पर बता रहे थे कि हमारे बजेरिया में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। केवल बजेरिया नहीं, पिछले 10 वर्षों में नितिन जी के नेतृत्व में नागपुर में जो परिवर्तन हमने देखा है, और मुझे बहुत खुशी है कि 2014 से 19 तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मुझे मिला, और मोदी जी के आशीर्वाद में और नितिन जी के साथ में हम लोगों ने इस नागपुर शहर को बदलने का काम किया। आज हम देख सकते हैं कि नागपुर में हर जगह सीमेंट रोड हमको दिखाई देते हैं, 24/7 पानी की योजना दिखाई देती है, बड़े पैमाने पर खेल के मैदान गार्डन हमको दिखाई देते हैं। आज हमारे सेंट्रल एवेन्यू से जाने वाली मेट्रो ये हमारे आवाजाही के लिए एक बहुत अच्छा साधन बनी है, और साथ साथ विशेष रूप से मध्य नागपुर का जो इलाका है, जो नागपुर का एक पुराना इलाका करके जाना जाता था, और नागपुर का पुराना इलाका होने के कारण सबसे ज्यादा कंजेस्टेड इलाका इस प्रकार से मध्य नागपुर की ओर देखा जाता था, अब नितिन जी के नेतृत्व में मध्य नागपुर का भी चेहरा बदला और हम देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर मध्य नागपुर में चौड़े रास्ते ये यहां पर तैयार हुए हैं, और हमारा जो शुक्रवार तालाब है, गांधी सागर है, उसका भी कायाकल्प हम लोगों ने उसकी भी शुरुआत की है। जल्दी ही ये काम भी पूरा किया जाएगा।